हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं सुबह सुबह मार्केट गई थी और सब्ज़ी लेके आई हूँ। ये बरबट्टी है, पौधी भी बोलते हैं, ये नेनुआ है, नेनुआ लाए थे भुजिया के लिए। इसको मछली में भी देंगे फ्रेंड, मछली भी लाए हैं। ये भिंडी है, ये भिंडी है, नेनुआ है, पौधी है। बहुत महंगी सब्जी है फ्रेंड। ये है कोहड़ा का लत्ती, इसको काट के मिलता है बाज़ार में ख़रीदने से। इसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है, पोस्तो और सरसों देकर के, आलू पोस्तो बहुत अच्छी लगती है। इसको सेलती हूँ तो मैं दिखाती हूँ कैसे बनाऊँगी। इसका फुल रेसिपी मैं आप लोग को दिखाऊँगी और मछली भी बनाऊँगी उसमें, ये नेनुआ डाल करके, क्या बोलते हैं वही, ये जो लाए हैं नेनुआ, इसको डाल के हम बनाएंगे। यहाँ झारखंड में नेनुआ ही बोला जाता है। और ये देखिए, ये धनिया है, मछली के साथ मिलता है हमारे यहाँ। मछली लीजिएगा तो धनिया ज़रूर मिलेगा फ्री में। और ये देखिए, मछली हम खरीद के लाए हैं, मिरी मछली है, और इसको हम बनाएंगे। तो अभी हम इसको धोए नहीं हैं, पहले हम सेल लेते हैं फिर हम धोएंगे। देखिए एकदम ताज़ी मछली है, मार्केट से मैं ख़रीद के लाई थी फ्रेंड। इसको सुबह सुबह ही गई थी, ये दोपहर तक सब खाना रेडी हो जाएगा। मेरा दोपहर का खाना है। मैं देखिए इतना सेल दी हूँ फ्रेंड, ये रेशा निकला है कोहा के लत्ती से, और इतना कर रही हूँ। अब धीरे 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 सारा चीज़ मैं करूँगी, आपको दिखा रही हूँ। आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए, इस लंबे ब्लॉग में ये एक बड़ा ब्लॉग बनेगा फ्रेंड, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा फ्रेंड, ये फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या क्या कैसे बना रही हूँ। आप लोग भी देखेंगे तो खाएंगे ऐसे बना करके। देखिए ये नेनुआ है, इसको भी मैं छील लूँगी। देखिए ये मेरा सेल आ गया है, कोहड़ा का लत्ती, इसको इतना सेल के रख दी हूँ। अब इसको छील लेती हूँ नेनुआ को दो तीन, और छील के फिर मैं धो के साफ़ करके दिखाऊंगी आपको। इस मछली में देना है नेनुआ को, आज सोच रही हूँ ऐसे करके बनाऊंगी। ये देखिए चार नेनुआ छील के रख दी हूँ, इसको धो लेती हूँ फिर मैं काट के दिखाती हूँ आप लोग को। बने रहिए आप लोग हमारे इस छोटे से ब्लॉग में। देखिए ये आलू भी छील के रखे हैं, उधर साइड में एक बॉयल अंडा है। देखिए मेरा सब साफ सुथरा हो गया, मैं काट ली। और धनिया ऐसे गोटे रखी हूँ, ये नेनुआ फाड़ फाड़ के दो दो फाड़ा करके रखी हूँ। अब मसाला को रोस्ट कर लेती हूँ, यानी गरम कर लेती हूँ, हल्का सा भून लूँगी। आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में फ्रेंड। ये जीरा है, हल्का हल्का भून लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जीरा है बस, हमारे ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को हम लास्ट तक दिखाएंगे फ्रेंड। ये मिर्ची है, ये भी रोस्ट हो जाएगी तो पीसने में मतलब आराम मिलता है, जल्दी से पीसा जाता है। सिलबट्टे पे पीसना है फ्रेंड हमें, क्योंकि हम ऐसे पीसते हैं तो थोड़ा सा मेहरा गया है तो नहीं पीस पाते हैं ना। अब और पीस लेते हैं, भून लेते हैं फ्रेंड। ये क्या है, ये पोस्तो है फ्रेंड, ये 50 ग्राम पोस्तो है। इसका दाम है 75 ना 78 रुपीस। ये सरसों है, लाल वाला और काला वाला, पीला वाला और काला वाला है सरसों। मछली में भी देना है। आप लोग भी मेरे तरीके से बना के देखिएगा, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। मुझे तो देखिए चटक गया मेरा सरसों, अब मैं उझल लेती हूँ।
फ्रेंड, एक हाथ से कैमरा पकड़ी हूँ, कितनी मतलब दिमाग में ये टेंशन है। और फिर ये देखिए हल्दी, ये क्या बोलते हैं, मिर्ची, सूखी मिर्ची, अदरक और लहसुन। और ये मैं पोस्तो भी, ये क्या बोलते हैं, ये धनिया है। दोनों के लिए अलग अलग मसाला अलग अलग तरीके से रोस्ट की हूँ फ्रेंड। ये देखिए मसाला पीस रही हूँ, एक हाथ से तो पीस नहीं सकती, इसलिए मैं पीसते हुए थोड़ा सा दिखा दी हूँ। अब ये पोस्तो दे रही हूँ फ्रेंड। देखिए पोस्तो की चटनी बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड। ये पिसा गया मेरा, पीस के तो नहीं दिखा सकती ना पीसते हुए फ्रेंड, पीस के दिखाई, क्योंकि एक हाथ से तो ना कैमरा पकड़ सकती, ना कैमरा तो पकड़ सकती, मसाला नहीं पीस सकती, इसलिए फ्रेंड। अब इसको मैं, ये है, ये मछली का मसाला है, और वो था मसाला जो क्या बोलते हैं खाड़ी वो बनाने के लिए, उसका खाड़ी कोहड़े की खाड़ी बनाऊंगी मैं, आलू और वो देके। आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए। अभी मैं मछली फ्राई करूंगी फ्रेंड। देखिए ये ब्लॉग बहुत लंबा है फ्रेंड, क्योंकि दो किस्म का सब्जी बना रही हूँ ना, इसलिए आप लोग बोर मत होइएगा, प्लीज़ इसको फुल वॉच करके देखिए। देखिए मेरा मछली हल्दी नून दे रही हूँ मैं, देखिए देखिए हल्दी और नून मिला के रख दूंगी, और इसमें थोड़ा सा कच्चा तेल दूंगी फ्रेंड। कैमरा इधर उधर जा रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूंगी फ्रेंड। आप लोग हमारी वीडियो को फुल सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी आगे बढ़ूं। मैं तो रेसिपी की ही वीडियो बना सकती हूँ, मेरी ये वीडियो वायरल हो जाए। आप लोग वायरल करिए हमारी वीडियो को, फिर मैं शॉर्ट वीडियो खुद ही बनाना शुरू करूँगी, आपके सामने कैमरे में आ जाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड, मैं मछली का अंडा फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा मिला था हमें इसलिए। एक अंडा था जो मैं दिखाई फर्स्ट में, उस अंडे को थोड़ा सा गर्म कर दे रही हूँ, बेटी खा लेगी। ये बुझा जाता है, फिर मैं इसमें नेनुआ फ्राई कर लेती हूँ फ्रेंड। नेनुआ फ्राई कर लूँगी, इसको मछली में दूंगी, हल्के फ्राई करूँगी, कच्चे थोड़ा रहे, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा फ्राई करूँगी, और फिर मैं इसको निकाल दूँगी। और जब मछली का मसाला फ्राई करूँगी, उसी में दे दूँगी फ्राई करके। इसको ऐसे खाने में बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड, एक बार आप लोग खा के देखिएगा। इस तरीके से एक बार खाइए और देखिए, आप लोग भी बनाइएगा फ्रेंड, एक बार देखिएगा कैसा लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है ये सब, आप ऐसे करके खाइएगा तो ज़्यादा मछली खाइएगा, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि मछली हम ज़्यादा खाएं। नहीं तो हम ऐसे नहीं खाते हैं, खाली मछली बनाते हैं तो हमको लगता है एकदम ढकार मछली की तरह आती रहता बार बार। ये बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड, देखिए दो दो फरा करके हम रखे हैं। अब इसको हम निकाल लिए, एक और छूट गया, उसको भी निकाल लेते हैं, फिर तेल देंगे, मछली फ्राई करेंगे फ्रेंड। बस आप लोग हमारी वीडियो पे बने रहिए लास्ट तक, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, देखते रहिए, देखेंगे आपको समझ में आएगा मैं क्या बना रही हूँ, कैसे बना रही। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, नए रेसिपी के लिए। ये देखिए पहले मैं मछली का पुच्छी फ्राई कर लेती हूँ, फिर धीरे धीरे सब करूँगी। ये देखिए मछली मेरा फ्राई हो रहा है, मैं उलट उलट करके फ्राई करूँगी।
देखिए लाल हो गया है एक साइड का। ये देखिए हमारी मछली और थोड़ी सी है, हम फ्राई करने का उधर भी डाल दिए हैं। अभी चावल नहीं बनाए हैं फ्रेंड्स, बस पहले मछली सोचे बना लेते हैं फिर चावल बनाएंगे। फ्रेंड इतने बड़े तो नहीं हैं हम लोग, यूट्यूबर की ज़्यादा ये है, लेकिन जैसे हैं वैसे यूट्यूब पे अपना काम कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे हम भी आगे, मेहनत कर रहे हैं। कभी कभी ब्लॉग नहीं बनाते हैं क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि क्या डेली डेली दाल भाती खाती हो, तो इसीलिए कभी मछली मीट बनता है तो डालती हूँ, कभी कभी सब्जी चावल दाल का भी दे देती हूँ ब्लॉग, लेकिन आप लोग बोर हो जाते हैं तो सोची मछली का ही बना देती हूँ। ये मिरिक मछली है फ्रेंड, इसका नाम है मिरिक। देखिए एकदम खस्ता खस्ता फ्राई करके रखी हूँ, ये लास्ट है मेरा मछली। देखिए बस हमारे ब्लॉग में बने रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड, आप लोग सपोर्ट कीजिए। ये तेजपत्ता और सूखी लाल मिर्च दे दी हूँ फोरन के लिए। इसमें मैं पचफोरन दे दी, फिर उसके बाद मैं प्याज दूंगी। फोरन लाल हो जाने के बाद जब ब्राउन हो जाए तो फिर मैं प्याज दे देती हूँ। बस आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए, हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है फ्रेंड कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर बीतुल भाई हमारी वीडियो देखते हैं, हम आपको मेंशन करते हैं तो हमारा सपोर्ट कीजिए। हम कुछ लालच ही करते हैं आपसे कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मेंशन हम हमेशा आपकी आईडी का करते हैं फ्रेंड। आप एक बार, हम हमेशा आपकी वीडियो देखते हैं, कमेंट तो ज़्यादा नहीं करते हैं लेकिन लाइक ज़रूर कर देते हैं। आपकी वीडियो देखते अच्छा लगता है, प्रियंका भाभी का भी देखते अच्छा लगता है, कम से कम आप लोग भी हमारा ध्यान दीजिए। देखिए मैं इतनी मेहनत से, मुझको लग रहा है ये 2 साल से मैं आईडी बना रखी हूँ, अब यूट्यूब पे अपना काम कर रही हूँ, 2 साल में मैं कहीं पीछे ही हूँ, शायद मेरी ही कमी है या यूट्यूब से, लेकिन कमी अपना पूरा करती हूँ। देखती हूँ कब हमारी वीडियो वायरल होती है, एक भी वीडियो हमारी वायरल हो जाए तो बहुत अच्छा है। देखिए नून भी दे दी, टमाटर भी दे दी, सब कुछ दे दी। देखिए ब्लॉग काट छाट के नहीं बनाए हैं, फुल ब्लॉग बनाए हैं फ्रेंड, आप लोग बोर मत होइएगा, मेरी ये रेसिपी जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड हम कुछ भी इसमें एडिटिंग नहीं किए हैं, जो है खाली वॉइस दिए हैं और बाकी कुछ इसमें कट पीट के एडिटिंग नहीं किए हैं, ताकि आप लोग भी देखिए एक बार हमारी तरह वीडियो बनाइए, आपको भी पता चले इस तरह से बनाने में कितना स्वाद लगता है। एक बार आप लोग भी ऐसे बना के खा के देखिए फिर बोलिएगा। देखिए पानी दे दी, इसको उबाल आने तक छोड़ देती हूँ, फिर मैं मछली डाल दूँगी।
उबाल आ गया फ्रेंड, अब मछली डाल देती हूँ। उसके बाद वो फ्राई किया हुआ क्या बोलते हैं नेनुआ, वो भी दे दूँगी फ्रेंड। नेनुआ या झींगी कुछ भी अब अगर आप डाल देते ना तो बहुत अच्छा होगा। ए उधर छोड़ा तो नहीं ना बेटा, निकल गया। देखिए मछली पीस पीस डाल रही हूँ, सारा मछली नहीं बनाई हूँ फ्रेंड, और मछली कटोरी में भर के रख दी हूँ, कल बना लूँगी, क्योंकि एक बार में उतना मछली कोई खाएगा नहीं तो नुकसान हो जाएगा, ऐसे कल बना लूँगी तो ताज़ा रहेगा फ्रेंड। ये देखिए नेनुआ डाल दी, अब मेरी मछली बनेगी यम्मी टेस्टी। आप लोग को ये रेसिपी फर्स्ट वाली कैसी लगी? अब उसके बाद खाड़ी बनाएंगे, यानी कोहड़े के डंठल की सब्जी, आलू और कोहड़े के डंठल, उसमें सरसों और पोस्तो खाली दिए हैं और जीरा। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए फ्रेंड, बहुत मेहनत करती हूँ, दिन भर कैमरा लेके खाना अगर बनाना होता चाहे एक किस्म का हो चाहे चार किस्म का, लेकिन बहुत मेहनत करती हूँ फ्रेंड। आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, बहुत मेहनत करती हूँ। ये वीडियो आज ही पोस्ट कर दे रही हूँ, शाम को अभी जाएगा, शाम को मैं उतार के खाली कर देती हूँ फ्रेंड। ये देखिए मेरी सब्जी हो गई, अब मैं बनाऊँगी इसको कढ़ाई को धो के डंठल की सब्जी। बने रहिए आप लोग हमारे इस छोटे से बड़े से ब्लॉग में। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये हमारी मछली। आप लोग को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है। ये देखिए मेरी कढ़ाई धुल गई, साफ सुथरा करके ला दी, अब इसमें तेल दे देते हैं, ये डंठल की सब्जी बनाएंगे, बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए ये पचफोरन दे दी, प्याज नहीं दूंगी, पहले डंठल दूंगी, प्याज नहीं देना, देना वो देखेंगे लेकिन अभी नहीं देंगे। अभी वो कोहड़े का लत्ती जो है उसको सेल के रखी है, यही फ्राई करूंगी पहले। आलू बॉईल किया हुआ है तो इसको फ्राई करके तब आलू को मैं दूंगी। देखिए ये दूसरी सब्जी बना रही हूँ फ्रेंड इस ब्लॉग में, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया है। बोर नहीं होना है फ्रेंड, देखना है और सीखना है, एक बार बना के देखिएगा मेरे तरीके से। मैं बंगाल में रही हूँ, देखी हूँ, अभी भी मैं ब्लॉग देखती हूँ। एक विल फूड का आता है, बंगाली हैं, बंगाल के विल फूड चैनल है उनका, मैं उस पर हमेशा देखती हूँ उनकी रेसिपी। मुझे सारी रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। ठाकुर माँ हैं उसमें, एक बहुत बूढ़ी हो गई हैं फिर भी वो खाना इतनी अच्छी अच्छी वो लोग सासुड़ी और बहू बनाते हैं मिल के, कि आप लोग एक बार देखिएगा उनका भी ब्लॉग, विल फूड विलेज ऐसे कुछ है। मैं तो उनको सब्सक्राइब कर चुकी हूँ, हमेशा देखती हूँ, जब न्यू ब्लॉग छोड़ते हैं तब मेरे पे आ जाता है नोटिफिकेशन, मैं देख लेती हूँ। इसमें टमाटर दे दी फ्रेंड, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ और फिर मैं मसाला दे करके भून लूँगी। देखिए इसमें मैं मसाला भी दे दूंगी फ्रेंड, ये हल्दी है, इसके बाद पिसा हुआ मसाला दूंगी, थोड़ा सा हल्दी चला लेती हूँ, फिर मैं पिसा हुआ मसाला दूंगी फ्रेंड। आप लोग कमेंट करते नहीं, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तभी तुमको पता चलेगा कितने लोग देखते हैं, कितने लोग हमें पसंद करते हैं, यानी हमारी रेसिपी को कितने लोग पसंद करते हैं। देखिए मैं मसाला दे दी, पोस्तो और सरसों जीरा लहसुन मिर्ची, क्योंकि ऐसे ये सब दे के बनाएंगे ना फ्रेंड तो बहुत टेस्टी लगेगा ये खाना।
एक बार ऐसे बना के देखिएगा, देखिए। अब इसमें मैं पानी दे दूंगी, फिर देखिए पानी दे दूंगी, फिर मेरी ये एक सेकेंड वाली रेसिपी तैयार हो जाएगी। इधर चावल भी बिठा दी हूँ, मेरा चावल भी हो रहा है फिर। मुझे तो बहुत कोहरे के डंठल की सब्जी अच्छी लगती है, बहुत ही यम्मी। ये देखिए मेरा चावल एकदम उबाल दे रहा है, पूरा उबाल आ रहा है। ये चावल मेरा हो जाएगा, ये देखिए ऐसे में रहने। ये देखिए लग रहा है मेरी सब्जी, मेरा चावल हो गया फ्रेंड। देखिए अभी सब्जी भी होने वाली है, देखिए हो गई। और मैं खाना निकाल ली हूँ, ये अपने लिए निकाली हूँ। इस अरे बेटी का उधर ये बोली हम ज़्यादा नहीं खाएंगे, तो एक मछली का वो मूढ़ी है उसके लिए दिखाती हूँ मैं अभी आपको। बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। आप लोगों को हमारा रेसिपी कैसा लगा फ्रेंड, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, लव यू।